एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज साहिल लोधी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज जब भी मुझे इस किस्म के शोज करने होते हैं, जो बहुत रियल शोज होते हैं जिसमें स्टूडियोज का अमल दखल नहीं होता, गर्मी सर्दी कैसा भी मौसम होता है उसको करना होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। रीज़न इज़ बिकॉज आई बिलीव कि मैं ऐसे ही शोज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे शोज़ करना। आज हम जो शो करेंगे उसमें बड़ी कमाल बातें होंगी। आज के शो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाऊंगा जिनको आपने और मैंने बहुत पसंद किया है, बहुत चाहा है, लेकिन आज वो मेरे साथ किचन में भी होंगी। आज वो अपने दुख, अपने दर्द, अपना गम इसको भी सहेंगी। आज वो अपनी लाइफ को शेयर करेंगी। आज वो अपनी बहनों के साथ भी होंगी, अपनी ज़िंदगी स्ट्रगल के बारे में बताएंगी। साथ साथ एक बात जो आज बहुत अच्छी होगी वो ये होगी कि आज मुझे उनकी ज़िंदगी के वो पहलू पता चलेंगे जो इससे पहले शायद मुझे भी नहीं पता था। आज मैं मेज़बान बनूंगा एक ऐसी शख्सियत के, एक्चुअली मेहमान बनूंगा, उन्हीं के घर में हम हैं, तो आज मैं मेहमान बनूंगा एक ऐसी शख्सियत के घर जिसको पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने बहुत पसंद किया है, बहुत चाहा है। आज जो मुझे खुशी है वो इस बात की खुशी है कि जब मैं आज ये प्रोग्राम शुरू करने आ रहा था तो मेरे जहन में तरह तरह के सवाल आते थे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी अपने हर सवाल का जवाब खुद देती है। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाऊंगा जिसने कमाल ज़िंदगी गुजारी, पहले अपने माँ बाप के साथ, फिर हस्बैंड के साथ, और उसके बीच में भाई बहन, अब बच्चे, और साथ साथ म्यूज़िक। मैं बात कर रहा हूँ द लेजेंडरी, द आइकॉनिक मुन्नी बेगम साहिबा की। आज मैं मुन्नी आपा के घर यहाँ हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बिकॉज़ मुन्नी आपा बिल्कुल सादा सी हैं, बहुत कमाल खातून हैं। वो जो कहती हैं बस वही करती हैं, और जो करती हैं बस वही कहती हैं, आगे पीछे कुछ नहीं उनकी। वो हमेशा काम करती रही हैं, हमेशा उन्होंने काम किया है और आज भी काम कर रही हैं। अब उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ गई। हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी तो फिर ज़िंदगी कैसे हुई ये एक कहानी है। माँ बाप को अपने साथ रखा और बेतहाशा काम किया उनके लिए, ये एक कहानी है। गज़ल में कैसे आए ये एक कहानी है। और साथ साथ कभी आपने करेले के पकौड़े खाएं? नहीं खाए, आज खाएंगे। और आज आपको बंगाली फिश बनाना सिखाऊंगा मैं नहीं, मतलब मुन्नी आपा सिखाएंगी। आए ज़रा चलते हैं, आ जाएं। ये हमारे कैमरामैन नदीम साहब, कभी को मेरा दिल चाहता मैं तुम्हारे कैमरे ना तस्वीरें बनाऊँ। वॉच योर स्टेप। और इधर इधर आ जाओ, इधर हाथ दे दो मुझे अपना। भागा वाले ओ नाम जपो बोला नाम, आइए। और हम ऊपर जा रहे हैं, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये उनका वोकेशनल होम है, यहाँ नॉट वोकेशनल होम है, यहाँ वो रहती नहीं है लेकिन कभी कभी आती है। दिस इज़ देयर हाउस। और यहाँ अपनी बहनें भी आ चुकी हैं, चार आई थिंक मुन्नी आपा की बहनें हैं। मैं अभी, मुझे पता नहीं है सही दादा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो आइए ज़रा अंदर चलते हैं एंड देन लेट्स सी कि हम किन किन लोगों से मिलेंगे। आ जाइए। और मैं आपको डायरेक्टली मुन्नी आपा के पास लेके जाऊँगा, डायरेक्टली। हम शुरू ही गज़ल से करेंगे, डोंट वरी। आप बैठिए प्लीज, बैठिए। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ इन सबको। ये एक चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मुन्नी आपा की तस्वीर। सच सच मुझे बताइए कब की, कितने साल पुरानी? ये साल तो नहीं, बस 6-7 महीने पुरानी। 92 की तस्वीर है। ओके, 92। ये क्या किसी एल्बम की तस्वीर थी? जी हाँ, ये आवारगी वाली मेरी जो कैसे थी 92 में, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए उसकी है ये। अच्छा, उसका एक शेर बहुत अच्छा था। कौन सा? उनसे बिछड़ कर इन दिनों, हमसे बिछड़ कर इन दिनों, किस रंग में है वो, ये देखने रकीब के घर जाना चाहिए। तो प्लीज अगर ये हो जाए, अगर ये हो जाए। अच्छा, और आज का जो इंटरव्यू है बड़ा, मतलब ऑफ सा होगा, मतलब कोई टिपिकल सवाल नहीं होंगे। आज आपने मुझे खाना बनाना सिखाना है, करेले के पकौड़े, बंगाली फिश। हाँ, और जी डन। आइए। अच्छा, और कितनी बहनें, कितनी हैं आप? माशाल्लाह 6 बहन 1 भाई। 6 बहन 1 भाई, और 6 की 6 बहनें यहाँ मौजूद हैं। माशाल्लाह सबको बुला लिया मैंने। सबसे ज्यादा शरारती कौन था? अपने अपने दौर में सब थी। सबसे जो बड़ी बहन थी, वो बड़ी, दोनों बहनें, वो बहुत अच्छे स्विमिंग बहुत अच्छा करती थी। अच्छा। वो उधर बंगाल में एक होता था बूढ़ी गंगा। हाँ, उसको कहते, बहुत बड़ा नदी है, उस पर वो कूद के छलांग लगा के इस पार से उस पार जाती थी। अरे वाह,
और अभी भी दो तीन साल पहले आपकी किसी बहन ने किसी इश्क में छलांग लगाई? नहीं, इश्क में कोई कभी किसी कोई नहीं। उसका दूर दूर तक उनका पता ही नहीं था इन बातों, मतलब वो उसमें होश भी नहीं था शायद। अच्छा, मैं ये आपा से जरूर पूछूंगा कि मुन्नी आपा को इश्क कब हुआ, प्यार कब हुआ, मोहब्बत कब हुई, लेकिन राइट नाउ आवार की महत से इसी से शुरू करते हैं ना। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार, लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। देख रकीब के घर जाना चाहिए, ये देख रकीब के घर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना। नहीं नहीं नहीं, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, कंटिन्यू रखिएगा, कंटिन्यू। अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, क्या मतलब? नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर। अच्छा ये बताइए, आप जो गज़ल गोई करती हैं, पढ़ती हैं, तो चुनाव कैसे करती हैं, इंतखाब कैसे करती हैं? ये आपने उस्ताद को बहुत बहुत पढ़ा, कमर जलालवी साहब? मैंने उनको, उस्ताद कमर जलालवी साहब को मैंने बहुत, मेरे ख्याल शुरू मैंने ही किया था जब मैं 1971 में जब बंगाल से यहाँ आई, तो ऐ मेरे हम नशी चल कहीं और चल सबसे पहले मैंने ये गाया, उसके बाद फिर कब मेरा नशे मन, बहुत सारी गज़ल उनकी गाई। गाना कब शुरू किया? गाना मैंने 71 में जब मैं फर्स्ट टाइम आई कराची, उसके बाद फिर मैं गई रेडियो पाकिस्तान। तो आप गाना गाती थी और कैंप चली जाती थी? तो वहाँ मैंने 71 में जब पहली दफ़ा उनको ऑडिशन देने के लिए गई, तो मैंने एक कॉमी नगमा गाया था। वो कौन सा था, सुना? हाँ प्लीज प्लीज, इसके ऊपर भी कहानी है, ये भी बताओ। प्लीज प्लीज प्लीज। ये अपनी जमीन अपना वतन, ये अपनी जमीन अपना वतन, फूलों की तरह रोशन रोशन, ये अपनी जमीन ये अपना वतन, इस पे कुर्बान सब पीर जवां, इस पे कुर्बान सब पीर जवां, इस पर सदके सब तन मन धन, इस पर सदके सब तन मन धन, सूरज की तरह रोशन रोशन सूरज, ये अपनी जमीन कहानी ये थी कि ऑडिशन देने के लिए गई, तो वहाँ पे ताहिर शाह साहब थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये गज़ल इससे गवाओ, ये कौमी नगमा इससे गवाओ, तो हम लोग आके सुनेंगे। और लाल मोहम्मद होते थे म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने उसको बनाया और मैंने इसको गाया, और मैंने कहा कि चलो, उन्होंने सुन लिया है। तो जब बाहर आ गया तो कहने का कि इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद फिर 1971 में ये रेडियो पाकिस्तान का सबसे नंबर वन कौमी नंबर था। अरे वाह 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 वाह। अच्छा नहीं, मैं जो इंट्रीगिंग चीज़ है वो ये है कि आप कैंप में आके रहीं 8 साल,
कैंप में रही जहाँ बिजली पानी गैस कुछ भी नहीं, कुछ नहीं था। और आप गा रही थी उस वक्त? मैं गा रही थी। आप मतलब शोज कर रही थी? हाँ। तो आप शोज करने के बाद वहाँ चली जाती थी? हाँ, बहुत मुश्किलों से जाती थी, बहुत मुश्किलों से, क्योंकि वो कच्चे रास्ते होते थे, वहाँ टैक्सी रिक्शा कुछ भी नहीं जाना चाहता था, जो छोड़ जाते तो भी बेचारे थोड़े थोड़े बेजार हो जाते। लेकिन मजबूरी उनकी थी कि मुन्नी बेगम को बुलाना है। और पहला जब मैंने प्रोग्राम अपना किया था, ये कस्टम हाउस में मेरा प्रोग्राम हुआ था, बहुत डर के, बहुत खौफ ज़्यादा, दहशत ज़्यादा होके गई। इकबाल बानो गा रही थी, ज़ाहिर इतनी बड़ी आर्टिस्ट, उनके सामने कौन गा सकता था। लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र उस ज़माने में मेरे थे, मंजूर जमाल साहब, वो मुझे धोखे से ले गए थे। अच्छा। कि नहीं कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं है, बस ऐसी हैं सब। मुझे कमरे में ग्रीन रूम में ले जाकर बंद कर दिया, और उसके बाद फिर आवाज़ आया उल्फत की नई मंजिल को चला। अब जो मैंने खिड़की से देखा तो देखा इकबाल बानो गा रही। मैं रोने लगी अम्मी के सामने, मैंने कहा अम्मा याद भी सबको झूठ बोल के यहाँ पे लेके आ गया, अब क्या होगा अम्मा, मंजूर भाई सबको झूठ बोला। बोला तो कोई भी आर्टिस्ट नहीं, इतना बड़ा आर्टिस्ट यहाँ पे प्रोग्राम करे, इसके सामने मैं कैसे गाऊँगी। तो जब रोने पिटने लगे तो फिर वहाँ कहने का, अच्छा ऐसा कीजिएगा जब सब लोग इंटरवल में चले जाएंगे फिर आप दो गाना सुनिएगा चले जाइएगा। मैंने कहा हाँ ये ठीक है। तो जब इंटरवल हो गया मैं गई, उन्होंने मुझे बुलाया, कहने का चलिए दो गाना सुना दिए। मैं अपना आँख बंद करके ए मेरे हम ऋषि जब शुरू की, जब ख़त्म हुआ तो क्लैप ही नहीं जब हुई तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये दो आदमी के तो तालियां नहीं। जब आँख खोल के मैंने देखा तो देखा जितने लोग गए थे सब वापस आ गए। और फिर उन्होंने कहा कि एक और एक और एक और करते करते 3 घंटे में गाई। ओह माय गॉड, ये मेरा जिंदगी का पहला प्रोग्राम। ये आपकी जिंदगी का पहला प्रोग्राम? पहला प्रोग्राम। अच्छा जी एक काम करते हैं, ये जो मार्कतुलारा गजल है ए मेरे हमनशीं चल कहीं और चल चमन में अब अपना गुजारा नहीं, तो वो बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं, ये हम सुनेंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो ये सुनते हैं, उसके बाद किचन में चलते हैं और आपा की सारी बहनों से मुलाकात करते हैं। लेकिन आई प्रॉमिस यू जैसे हम वापस आते हैं इस गज़ल से हम शुरू करेंगे। इस गज़ल के 2-4 अशार बहुत खूबसूरत हैं, कमाल अशार। छोटे से एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी वेलकम बैक, एंड आई एम विद मुन्नी बेगम साहिबा, ऐ मेरे हमनशीं चल कहीं और चल। अब बुलंदी पे तेरा सितारा नहीं, गैर का जिक्र क्या गैर, फिर गैर है जो हमारा था वो भी हमारा इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, ऐ मेरे हमनशीं चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों तक तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हमारा नहीं, ऐ मेरे जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, गुलस्ता को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे यह ले चमन है, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं।
ظالمو اپنی قسمت ناز نہ ہو, دور بدلے گئے وقت کی بات ہے, ظالمو اپنی قسمت ناز نہ ہو, دور بدلے گئے وقت کی بات ہے, وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری, کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں, وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری, کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں, اے میرے ہم نشین. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ویسے تو اور بھی اشعار ہیں لیکن میرے بہت سارے ہیں, بہت سارے. اب یہاں سے ہم چل سکتے ہیں آپ کے کچن کی طرف؟ بالکل, آپ کہیں نہیں جائیں گے باس, آپ یہیں پر رہیں گے, ہم کچن کی طرف جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپا کی جو بہنیں ہیں ان سے بھی ملاقات کا وقت آ گیا, تو اب ذرا کیمرے کو ہینڈی کر لیں, آئے چلتے ہیں. اچھا جی, اب ہم آپا کے گھر کے کچن کی طرف اندر جا رہے ہیں اور یہاں لیٹس سی کہ آج کیا بننے والا ہے, آج کیا بننے والا ہے, آج کیا بننے والا ہے. میں تو آپا کے ساتھ کچن کے اندر ہیلپ کر رہا ہوں, اگر آپ کی کسی بہن کو بلا سکتے ہیں ہم یہاں؟ ہاں بلا لیجیے, رانی کو بلانا. کہاں سے رانی؟ رانی کون ہے؟ رانی کو بلائیے. آل رائٹ جی. اچھا, آپ نے گھر کا کام ہمیشہ خود کیا؟ میں امریکہ میں تو خود کرتی ہوں, یہاں نہیں کرنے دیتے. اچھا, یہاں نہیں کرنے دیتے. لیکن وہاں تو جھاڑو سا ایسے دیکھ لیجیے گا, ایسے دیکھ لیجیے گا کیونکہ کیمرا وہ ہے. السلام علیکم, ادھر آ جائیے نا, آ جائیں کیمرے میں. میری بہنیں جو ہے نا, یہ لوگ یہ پوچھتی تھی بادی کیا کر رہی ہوں. اچھا, تو میں بولتی تھی کہ آج میں رحیمہ بنی ہوئی ہوں, رحیمہ کھانا بناتی تھی. پھر پوچھتے اب کیا بنی ہوں, اب کیا کر رہی ہیں بادی؟ میں نے کہا ابھی گل خان. بولے وہ کیا؟ میں نے کہا جا رہی ہوں بچوں کو اسکول سے لانے, ڈرائیور. ارے واہ, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اچھا, آپ کو یہ رانی کہہ کے بلاتی ہیں؟ رانی نام ہے آپ کا؟ رانی نام ہے آپ کا. اوکے اوکے, کیسی بہن, کیسی ہیں؟ بہت اچھی بہن ہے. سب سے اچھی کیا بات ہے, کتنی کلوز ہیں آپ سے؟ مطلب دل کے ہر بات کو سمجھتی. اچھا, کبھی مطلب کو جیسے دل کھانے کو چاہ رہا ہے تو ایک گھنٹہ بعد فوراً نا کے حاصل کر دیتی. کیا بات ہے, ساری زندگی انہوں نے آپ کے لیے کیا ہمیشہ. اچھا یہ بتائیے, شرارتیں کی منی آپ نے کبھی کوئی شرارت کی زندگی میں؟ ہاں مسائل بہت, مطلب ہاں کامیڈی تو بہت. اچھا, تھوڑا سا کیمرہ ادھر لے لیجیے تاکہ. کامیڈی بہت کرتی ہوں. میری ایک دوست ہے, ہاں ایک دن میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے آ رہی تھی. اچھا, تو ان کو پتہ نہیں کیا سوچا, مجھے کہنے کہ سنیے منی آپ کے گھر میں جا رہی ہوں تو میرے گھر سے آپ کا گھر کا فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے کہا اگر آپ پیدل جائیے گا میرے ساتھ تو 5 منٹ کا ہے, اگر میاں کے ساتھ گاڑی میں جائیے گا تو 2 گھنٹہ. تو بیچاری جیب میں ان کی میاں کی گاڑی بھی ہل گئی, کہنے کہ نہیں نہیں میں اپنی میاں کے ساتھ ہی. آپ یہیں پاکستان میں ہوتی ہیں, آپ بھی باہر ہوتی ہیں؟ یہ اگلے سال چلی جائیں گی. اگلے سال چلی جائیں گی آپ بھی تو. اچھا, آپ کو آپا کی طرح شوق ہے گانے کا؟ پہلے تھا. کیا کبھی کچھ گایا آپ کی کوئی چیز گائی؟ بہت اچھی آواز ہے اس کی, آواز میری سب بہنوں کی آواز اچھی ہے اس کی, بہت اچھی ہے. کون سا گایا انہوں نے؟ کون سا گائی تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں, میں ان کا انسائیکلوپیڈیا آپ کے برابر میں. میں نے بتایا نا کہ مجھے دیکھ کے سب گھبرا جاتے ہیں, سب بھول جاتی ہیں. نہیں نہیں, میں بتا دیتا ہوں, ایک بار مسکرا دو. کتنی بڑی, میں ہارمونیم بجاؤں گی پھر گا لوں گی. ایسا چلیں چلیں, ایسا 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 ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی وہ بھی سسٹر ہے؟ ہاں, ادھر آ جا, آ جا سر. ادھر ہی جا کے بات کر لوں یا ادھر سے؟ ہٹ جا تم لوگ ادھر سے, سب بہنوں کو بلا لو ادھر. ارے کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ. کہاں, یہاں پر بلانا یا وہیں جانا ہے؟ یہیں بلا لیں, آپ کو یہیں آنا پڑے گا. آپ نے کریلا کا پکوڑے نہیں کھایا ہوگا, بیگن کا. بس میں ان سے ذرا بات کر لوں ایک منٹ, پھر کریلے کے پکوڑے آپ مجھے سکھائیے گا. میں جب تک آتی ہوں. آ جائیے ادھر, آ جاؤ یہاں, آ جائیے یہاں. یہ مجھ سے چھوٹی ہے. اچھا, اور آپ سے بہت ملتی بھی ہے؟ ہاں بہت زیادہ. السلام علیکم, ایسے دیکھنا پڑے گا آپ کو. کیسی ہیں آپ؟ بس بالکل ٹھیک ٹھاک. نام کیا ہے آپ کا؟ سونی. سونی سونی, اس کا نام ہے رانی, میرا نام ہے منی, یہ ہے میری شفی باجی. السلام علیکم, سب سے بڑی بہن ہے. یہاں آ جائیے پلیز, یہاں آ جائیے, یہاں آ جائیے. آج تو میں حسین لوگوں میں کھڑا ہوں. شفی, کیا نام ہے آپ کا؟ اشرفی. اشرفی, اوکے اشرفی. یہ میری بہن جس کا میں بتائی تھی, بہت اچھا سوئمنگ. اچھا اچھا اچھا, سوئمنگ مانجھا. مانجھا مطلب اڑانے والا مانجھا؟ مانجھا, گلی ڈنڈا سب ہے یہ. ہاں, تو آپ کا نام اشرف ہونا چاہیے تھا. اشرفی کیوں ہوا؟ میرا نام اشرف ہے. اشرف ہے واقعی؟ ہاں.
लेकिन यहाँ सब आके हम लोग अशरफी बुलाते हैं। अच्छा, अशरफ बाजी है। अच्छा अशरफ बाजी, और वो आप काले को? वो मेरी सबसे सीधी सादी सी बहन है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहन। मोहन, इसको मोहनी बुलाते हैं हम लोग। अच्छा, मोहनी। अच्छा ये बताइए मोहन, आपको भी स्विमिंग का शौक था? नहीं नहीं, किस चीज़ का शौक था आपको? नहीं, इसको इतना कोई खास नहीं है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, क्यों मुख्तलिफ? ये इसको बच्चे का जासूसी का बड़ा शौक है, अपने बच्चों को जासूसी करके पढ़ाई है। कैसे? बच्चों के साथ, बच्चों को स्कूल में भेज कर खुद ही उधर बैठी रहती थी, जब बच्चे निकलते थे कि कहीं बच्चे इधर उधर ना हों। अच्छा, वो मेरे ख्याल से चूल्हा। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात हटा लूँगा मैं। हाँ हाँ, ओके ओके, हटा लें। ओके ओके, नो प्रॉब्लम जी। इस किस्म की चीजें होती रहती है, काटिए वाटिएगा मत। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सब चीज़ें। बोलेगा धुआंदार खाना बना दिया अपने। हाँ, धुआंदार खाना बना दिया अपने। वहाँ मुझे आज ये आप लोगों में से कोई माइक पकड़ ले और जहाँ बोलना हो जिसे बोलना बोल दे। आज मैं आप लोगों के घर में मेहमान हूँ तो मैं सीखने जा रहा हूँ इनसे। अच्छा, वो ये मौलवी। मौलवी? आओ। अस्सलाम वालेकुम। आपको ये मौलवी कह रही है? मैं नहीं कह रहा, प्लीज मुझे बताइए आपका नाम क्या है? आमना बेगम है। इतना खूबसूरत हसीन नाम। बहुत खूबसूरत। तो आप, पापा बता रही हैं आप भी स्विमिंग करती हैं? हाँ। मांझा मांझा आप भी बनाती थी? हाँ, ये दोनों बहन मिलती हैं, हम लोग, मेरी बड़ी बहन है, हम लोग दोनों मिलती हैं। अच्छा, मांझा भी लगाती थी। ये जो है ना, ये सबसे टॉप थी। अच्छा। कंचा खेलने में गुल्ली डंडा और मांझा लगा के बाकायदा बेचती थी, बिजनेस करती थी इसके। सीरियसली जी? और स्विमिंग बहुत अच्छा है, ये भी बहुत बे इंतहा अच्छा स्विमिंग। दोनों सुना है, किसी नदी वदी में कूदते थे आप लोग? हाँ। अभी दो साल पहले ये लोग गई थी करली झील में, वहाँ जाके कूद रही। वाकई में? कश्ती कश्ती के ऊपर तो कूद के फिर हम लोग तैरने लगे स्विमिंग करने। और लोगों ने इनका मूवी बनाया है। आप लोग मतलब ये हमारी जो कलरी झील है इसके अंदर आप लोग जी मजार तक तो नहीं पहुंचे कूदते कूदते? मतलब तैरते तैरते नहीं, मजार से हम लोग आग निकल गए थे। मजार से आग निकल गए? हाँ, मजार से। मजार तो कम पानी है। अरे वाह, कम पानी है, कम पानी में तैरने में मजा नहीं आता। तो कभी समंदर पे जाके दिल चाह के एकदम जाते हैं, वहाँ भी जाते और वहाँ पर कसम दे देते हैं इनको। समंदर का पंगा मत लेना। अच्छा, आप में इन पांचों में सबसे बेहतर कुक कौन है? सब 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 बहुत टॉप क्लास का खाना बनाती है। अच्छा, अब मैं आपको बोलूंगा, आप लोगों ने एक 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 ही आप तो बनाती हैं, आप एक एक शरारत बताएंगे मुझे आपा की। मुन्नी, मुन्नी बहुत अच्छी बहन है मेरी और हम लोग सबका बहुत ख्याल रखती है और हमेशा ख्याल रखती है हम लोगों की परेशानी में, ये बहुत साथ देती है हमारा और ये मेरी बहुत अच्छी बहन है, ऐसी बहन अल्लाह सबको दे। आमीन आमीन आमीन। मैंने शरारत का बोला था आपने तो मतलब शरारत तो है ही, वो तो होता रहता है शरारत। शरारत मैं जो करती थी ना वो अब्बा के दौर में करती थी, मोटरसाइकिल चलाती थी। मेरा शरारत होता दूसरा किस्म का था, इनका अलग था। ये दरख्तों पर चढ़ के भागती थी और मैं मोटरसाइकिल लेके भागती थी और थी 12 साल की, साइकिल चलाती हैं पीछे मैं बैठती थी, पीछे ये बैठती थी। ये 12 साल की थी और आप मोटरसाइकिल पे पीछे बैठती थी? पीछे मेरे पीछे ये गुरु थी मेरी, चेला। चेलों का साथ ले लेके घूमती थी और फिर घर में आने के बाद जो धुलाई होता था अल्लाह उसको नहीं भूली आज तक अब्बा की वो धुला। 12 साल की बेटी अगर एक छोटी बेटी को लेके घूम रही हो मोटर बाइक पे तो धुलाई होनी है, बहुत धुलाई। अच्छा, आप लोग आज सब हेल्प करेंगे, प्लीज ये पकड़ लीजिए भाई, मैं जरा आपस से सीखना चाहता हूँ, जरा करेले के पकौड़े जरा मुझे बताइए तो सही। ये खास बंगाली डिश है, माइक में बोलेंगे जो बोलेंगे। अच्छा, ये फूलगोभी है। ओके, फूलगोभी है। आप मुझे बता दी मेरी ये कर क्या रही हैं? ये तो काट है इसको। हाँ ठीक है, इसके अंदर मसाला को खास डलता है? नहीं, इस पर जो है ना ये बेसन बना के हमने रखा हुआ है इसमें। ये तो खैर मछली है। ओके, ये बेसन है, इस पे हमने लहसुन डाला है, जीरा, हल्दी और थोड़े से मिर्च और थोड़ा सा इस पे बेकिंग सोडा। ओके, और नमक मिला के। अच्छा, लेकिन अब ये कड़वे होंगे? नहीं, जाहिर है कड़वे तो होंगे लेकिन मजेदार भी होते हैं। इतना कड़वा नहीं लगता? अच्छा, हम लोग तो अब खैर आदि हैं, आप लोग को लगेगा शायद। नहीं, मैं मेरे तो क्रू खाएगा, मैं तो नहीं खा सकता, मुझे कड़वे का मना किया गया। क्यों? मैं कड़वा नहीं खाऊंगा, मैं मीठा भी नहीं खाता ना कड़वा खाता। अच्छा, आप एक चीज़ देखे ना, मैं उल्टे हाथ से काटती हूँ। हाँ, ये क्या वजह? उल्टी, बस दोनों हाथ से काम करती हूँ मैं, उल्टे हाथ से भी करती हूँ सीधे हाथ से भी। हारमोनियम मैं सीधे हाथ से बजाती हूँ। हाँ, वो लाना रानी कढ़ाई। अच्छा अच्छा, कढ़ाई कहाँ है ये तो? अच्छा, इनसे कह रही हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप पाकिस्तान आ गई थी और गाना शुरू कर दिया था तो मुश्किलात तो होती होंगी, फाइनेंशियली कैसे थे आप लोग? बहुत तकलीफ में थे। हाँ, बहुत ज़्यादा।
लेकिन कभी किसी से कहा नहीं, ये बहुत अच्छी बात है हम लोगों को। अकेले करते रहते? अकेले, मैंने कहा बस जो है अल्लाह देखा देखा जाएगा जैसे भी होगा। जाती थी मैं प्रोग्रामों में, जाती थी फंक्शनों में, तो प्रोग्राम करके आती थी, जो पैसे मिलते थे घर पे भी खर्च करती थी, फिर मेरे कैंप में और भी लोग होते थे मैं उनका भी हेल्प करती थी। उन लोगों को हाँ मैं कहती सब मिल के खाएंगे। अच्छा अल्लाह ताला ने नाम भी फिर आपको इसीलिए दिया, इतना बड़ा जो नाम मिला वो इसीलिए मिला क्योंकि आपने सबके लिए सोचा ना? सबके लिए, मैं आज भी सबके लिए सोचती। अच्छा ज़्यादा ज़्यादा किसके क्लोज थी पेरेंट्स में, मतलब वालदा के क्लोज थी, वालिद के क्लोज थी? मैं अब्बा के ज़्यादा क्लोज थी क्योंकि अब्बा के साथ घूमती थी मैं, चाहती तो अम्मा को भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब्बा के साथ क्योंकि वो बीमार हो गए थे अब्बा मेरे, जब मैं 6-7 साल की हुई ना तो उनको टीबी हो गया था। अच्छा। तो वो बहुत नर्वस रहते थे और उनका जो है ना हौले दिल की एक बीमारी, पता नहीं क्या कहते उसको, वो इख्तलाज बहुत होता था उनको। अच्छा। तो वो जहाँ भी जाते थे मुझे साथ लेने के जाते थे, तो मैं उनके क्लोज बहुत थी अब्बा के। अच्छा। उनको तकलीफ को देखती थी, जब मुझे गाना सिखाने लेके जाते थे, एक मोतियो रहमान थे उस्ताद जी, उनके घर सुबह 5 बजे लेके गए, तो बेचारे बस पे खांसते खांसते मुझे लेके गए और वहाँ पहुँचे और मैं गा रही हूँ और वो खांस रहा है और मैं गाती भी जा रही हूँ और देखती भी जा रही हूँ कि ठीक तो है अब्बा, ठीक तो है। फिर उसके बाद फिर 2 घंटा सीखने के बाद फिर अब्बा के साथ आ जाती थी। तो वो चाहते थे कि मैं टीचर बनूँ स्कूल में, म्यूज़िक की टीचर, म्यूज़िक की टीचर। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान सोचता जो है वो होता नहीं। नहीं, लेकिन आप म्यूज़िक की टीचर लाखों लोगों की बन गई हैं। हाँ, करोड़ों लोगों की टीचर हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइए, जाहिर है आइडियल होता है जहन में, तो आपने आपकी ज़िंदगी में आप खुद बहुत इंडिपेंडेंट रहीं, मेल ही आपने सारा कैरेक्टर निभाया है, कमाया भी, सपोर्ट भी किया, आपकी ज़िंदगी में कोई इंस्पिरेशन आई वालिद के अलावा? मेरे अब्बा ही सब कुछ थे मेरे लिए, मेरे माँ और मेरे बाप, जो उनको ज़िंदगी मैंने गुजारते हुए देखा है, उस तकलीफ़ में भी वो बे इंतहा खुश थे। होता है ना कि आजकल के दौर में अगर एक बेटी के बाद 2 बेटी आ जाए तो लोग पुरसा देने आ जाते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ था कि जी बहुत बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी दूसरी बेटी हो। मैंने कहा इसको निकाल बाहर घर से, मेरी बेटी के मुतालिक ऐसा क्यों बोला है, हमको किसी जगह के बादशाह तो है ही नहीं कि मुझे मेरी बेटी को, बेटा होता तो बादशाहत मिलती। मैंने कहा एक बेटी हो 100 बेटी हो, हम लोग 6 बहन पैदा हुए। तो मेरे अब्बा कहते थे कि मेरे गुलशन में एक और फूल खिला है और मेरे ज़िंदगी के आसमान में एक और सितारा चमका है। सब बेटियों को देख इतना प्यार करते थे। माशाल्लाह। तो और माशाल्लाह सब बहनें भी बहुत अच्छी, सब माँ बाप की खिदमत, सब माँ बाप की खिदमत कर करके अभी अपने मतलब इस मुकाम तक हम लोग पहुँचे। माशाल्लाह। तो आपके दोनों पेरेंट्स में पहले कौन गया? पहले अब्बा। उनको जल्दी बहुत, असल बीमार बहुत बीमार बहुत रहते थे और आखिर में बेचारे बहुत ज़्यादा बीमार गए। उनकी ख्वाहिश एक थी, पता है क्या सर, वो अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह उनको मौत उस वक्त दे जब मेरे पास घर हो और गाड़ी हो। और ये दोनों चीज़ था, जब वो मर गया मैंने कहा काश ये घर और गाड़ी मेरे पास नहीं होता तो ये ज़िंदा हो। मैंने अपनी अम्मी से कहा था, मैंने कहा माँ ये चीज़ देखने का ख्वाहिश था, कहने का हाँ ये देख के तुम्हारे अब्बा दुनिया से गए। मैंने कहा अम्मा तो इससे बेहतर था कि नहीं होता मेरे पास, कम से कम वो ज़िंदा तो रहते। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लूँगा, जब वापस आऊँगा तो मुझे आपको कुछ याद है वो आपकी कौन सी गज़ल पसंद किया करते थे? मेरी सारी गज़लों पे वो कहते थे बेकार गाया है सब। बाकी में साथ मेरी अम्मा कहते थे कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, मेरा बच्चा बेचारा इतना मेहनत करके गा के आ रही है, रात को 3 बजे तक रिकॉर्डिंग कर रही है, अब तुम मुँह छूटते उसको कह दे तो कितना ख़राब गाई है। बोले जिस दिन हम उसको तारीफ़ कर देंगे तो उस दिन इसका फिर वो ख़त्म हो जाएगा जस्तजू आगे बढ़ने का। जब वापस आते हैं तो यहीं से शुरू करेंगे, यहाँ पकौड़े करेले से। करेले से जी बिल्कुल, करेले के पकौड़ों से हम बिल्कुल तैयार हैं। और अभी आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राइट बैक। एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। वापस आ गए हम जी, मैं इस सब तापा की मदद कर रहा हूँ यहाँ पे, और करेले के पकौड़े बन रहे हैं। हाँ ये देख लीजिए जी। अच्छा ये मुझे बताएं शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद, बहुत फायदेमंद है ये। बंद गोभी रखी हुई है ये, इस पे जो है ना, इस पे कहते हैं ना कार्ब वगैरह जो है ये सब बहुत कम होते हैं, इसलिए ये खाना बहुत अच्छा है। ओके अगर आप दुबला होना चाहते हैं तो मेरी तरह। अच्छा लेकिन आप फ्राई कर रही हैं ये बेक होती है कि ये चीज़ें? नहीं बेक नहीं होती है। अच्छा मैं इसको इससे यूज़ कर सकता हूं? हम चला रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं। वाओ अच्छा वैसे अच्छे लग रहे हैं पकौड़े। इसकी कड़ी वड़ी बनती है क्या? हाँ उसकी चटनी बना के रखी हुई है मैंने, धनिया के साथ। अरे वाह। अच्छा ज़्यादा कहाँ खाया जाता है? बंगाल में और हम लोग के घर में। अच्छा आपने इसके बाद शादी की? शादी कब हुई आपकी? 1980 में मेरी शादी हुई। ओके उसके बाद फिर? और हस्बैंड डॉक्टर थे? हस्बैंड मेरे डॉक्टर। ठीक है। और मेरी ये पसंद की शादी थी। ओके तो क्या बात पसंद क्या आई थी उनकी बात आपको?
वही तो आज तक सोचती हूँ। कुछ क्या पसंद आया था? नहीं सीरियसली क्या पसंद आया? होता है ना आइडियल होता है, दिमाग में आइडियल होता है कि शौहर लंबा हो, खूबसूरत हो। खूबसूरत भी था, लंबा भी था, डॉक्टर भी था। ओके अच्छा अच्छा इंसान था। लेकिन कहते ना कि जहाँ ज़रा ज़्यादा मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत हो तो वहाँ नज़र लग जाती है। हाँ, नज़र लग तो लाइफ को कुछ ऐसा ही नज़र लगा मेरे। अच्छा तो फिर हुआ क्या, मतलब थोड़ा सा बताइएगा, शुरू बताइएगा कि कैसे हुआ और फिर एंड क्या हुआ। शुरू ये हुआ कि मैं पीएमए, एक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का प्रोग्राम था 1976 में, इसी में रखेंगे। हाँ, तो शुरू थे जीवन, कोई नहीं, आप बोलते रहिए, आप सुन लो। तो मैं उस प्रोग्राम पे गई। थैंक यू। तो वहाँ पे ये प्रोग्राम में आए हुए थे, उस वक्त स्टूडेंट थे, पढ़ रहे थे। और फिर उन्होंने कहा कि हम आपको ड्रॉप कर देते औरंगी टाउन। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा बात है, वैसे भी कोई छोड़े नहीं मानता है। मैंने कहा चलिए चलिए, तो वो जाके औरंगी टाउन हमको छोड़े। अच्छा, उसके बाद फिर उनसे मेरी बातचीत हुई। ठीक है, फिर बहुत अच्छा लगा, फिर मिलते रहे। फिर 1980 में हमारी शादी हुई। शादी में काफ़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम असल में उनके अब्बा अम्मा जो है, अम्मा तो बहुत प्यारी थी, अब्बा कहते कि तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर से शादी करो। ओ, ओके। अब मेरे घर वाले कहते थे कि नहीं, हम लोग बंगाल के हैं तो हम लोग वहाँ के लोगों से शादी करें। जो वो कौन थे? वो कौन थे? वो उर्दू स्पीकिंग थे? नहीं, वो पंजाब के। पंजाब के। ओके ठीक है। लेकिन बहरहाल वो शादी तो हो गई। ठीक, उसके बाद ये अच्छा, फिर उसके बाद तो शादीशुदा जिंदगी कैसी थी? शादीशुदा जिंदगी मेरी ऐसी थी कि मैं बहुत, वैसे बुनियादी तौर पे मैं बहुत घरेलू हूँ, मतलब मौसीकी से मेरा ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन मैं घर का काम हम सब करती थी। मैं खाना वाना बना के जाती थी, फिर उसके पसंद का सारा खाना बनाना, सब कुछ बनाना। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत की ख़राबी होती है तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाता है। फिर 92 से थोड़ा मेरा हालात ख़राब रहने लगा उनके साथ, और उसके बाद 98 में इस किस्से को ख़त्म हो गया। ये कहानी अंजाम को पहुँचा। अंजाम को पहुंचा। हाँ, कभी कोशिश नहीं की कि इसको बेहतर कर लेते हैं? बहुत कोशिश किया, लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि कभी कोई चीज़ अगर आपके साथ अच्छा ना हो तो ये नहीं सोचिए कि शायद आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिंदगी में शायद कभी नहीं आता है। बच्चों ने उनको मिस किया? मेरे बच्चे ने बहुत मिस किया, मेरे बेटे ने खासतौर से बहुत ज़्यादा, जिसके वजह से मुझे उस वक्त मुझे थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे तकलीफ, थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखिए, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि शायद मुझे थोड़ा सा तकलीफ उठा लेना चाहिए था। इस इंसान की ज्यादा भी बर्दाश्त कर लेनी थी, लेकिन छोड़ना नहीं था, क्यों सिर्फ बच्चे की वजह से, बेटे की वजह से। बेटे का चक्कर क्या था, जिस वक्त मेरा तलाक हुआ उस वक्त वो 8 साल का था। ओह माय गॉड। तो मैं फिर चली गई अमरीका। जब वो 14 साल का हुआ तो थोड़ा सा उस पर बदतमीजीपन आ गई। बदतमीजीपन ये कि मतलब बात बात पर गुस्सा करना, खाना नहीं खा रहा है, बाहर निकल के बैठ जा रहा है। तो मैंने फिर डॉक्टर से बात किया, तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम इसका सामान चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और बात है। तो मैंने इसका सामान चेक किया, कुछ भी नहीं। तो मेरी जो छोटी वाली जो बेटी है मीनारा, वो बहुत परेशान होती थी। कहती थी कि अम्मा देखते हैं, ये एक दिन गया हुआ था, बाहर गया था, इसका कंप्यूटर खोला। अच्छा। कहती अम्मा इसका बीमारी का इलाज मिल गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने का अम्मा इसके कंप्यूटर में इसके बाप को ये मैसेज करता है, अपने बाप को 5 साल से। ओह माय गॉड। कि अब्बा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ, तुम मुझे फ़ोन करो, प्लीज़ मुझे मेरे मैसेज का जवाब दो। ये 5 साल तक ये करता रहा, उसके वजह से वो थोड़ा सा डिप्रेशन में। तो उनका मैसेज आया कभी, कॉल बैक आया? फिर मेरी बेटी ने उसी दिन फ़ोन किया बाप को। अच्छा। फिर बाप ने उससे बात किया, तो 1 घंटे तक बाप के साथ फ़ोन में रोया, फिर बाप भी रोया। उसके बाद फिर अब बाप से मिलता है, अब ठीक है। अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बात करती हैं उनसे, डॉक्टर साहब से? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक। मेरा बच्चे का बाप तो वो है अब तो। हाँ। मेरी तो खैर मतलब कोई बात मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन तो वो कहाँ, यहीं होते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में रहते हैं वो। वैसे बहुत हिम्मत की बात है ना, आपने इतनी बहुत सारी चीज़ें गुजारी, बहुत सब चीज़ें देख लिया तकरीबन। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश पूरी ना हुई हो? नहीं, बागबानी का बेइंतहा शौक था। बागबानी का? बागबानी का, बागबानी। अच्छा, बागबानी। हाँ, अच्छा, बागबानी मतलब मैंने समझा बागबानी का, वो कश्ती वश्ती चलाने का। वो भी था, वो भी किया है, वो सब किया है। कश्ती चलाई हूँ, स्कूल बस चलाई हूँ। अच्छा, कभी फिल्म्स की ऑफर हुई? मुझे इंडिया में हुई थी। अच्छा। गाने की भी ऑफर हुई थी और फिल्मों में काम करने की भी हुई थी, लेकिन उस जमाने में थोड़ा से अच्छा मतलब नहीं समझा जाता। हाँ, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। लेकिन संजीदगी से ऑफर हुई थी? संजीदगी से ऑफर हुई थी। और कभी सोचा भी नहीं या नहीं सोचा? वहाँ पे कुछ फिल्में ऐसी बनी थी। हाँ। एक फिल्म थी लाल चुनरिया,
उसके बैकग्राउंड में मेरा वो गाना था तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे पूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर एक फिल्म था शाहरुख खान का दिल आशना, उसमें मेरा एक गजल का बैकग्राउंड में है। कौन सा गजल? जोश दरिया में था किस कदर अल्लामा, अरे वाह, वो भी है उसमें, या आसमां सुतारा गया, ये दो में से एक है। अच्छा अच्छा, ये सब चीजें होती रही है। जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम्हत करा, दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते हैं, कब मेरा नशीमन अहले चमन। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी गजल से शुरू करेंगे। अभी मछली बाकी है, पकौड़े ये जो है ये वाले तो हो गए ना? हो गए कुछ नहीं, अच्छा खासे हो गए। एक कॉलीफ्लावर पकौड़े हैं जी, देख लीजिए प्लीज, खुदा का वास्ता देख लीजिए। और आपने मेरी घर गृहस्थी भी देखी ली है, मैं किस तरह से कर रहा हूँ उसको। बट ये आपा के बनाए हुए हैं, मसाला वगैरह सब उन्होंने लगाया। और अभी नहीं मछली बाद में करेंगे। ये मैं इनको निकाल के यहाँ रख रहा हूँ, एंड देन उसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे। और अंदर जाने के बाद हम कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा करते हैं, वहाँ से हम शुरू करेंगे। वंस अगैन उस्ताद कमर जलालवी, लुक्स गुड, रियली गुड। अच्छा, आप लोग की अवतार कैसे होती है? इसी तरह ऑल फ्राइड, आई थिंक अगर आप अवतार में यहाँ हो ना तो रमजान में तो हमको आना चाहिए। बिल्कुल आइए आप, है ना? बिल्कुल, प्लीज, पूरा 300 दिन। तीसों दिन तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन एक दिन जरूर। छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक के बाद इन्होंने कहा कि रानी बहुत अच्छा गाती है, तो कोशिश ये करेंगे इनसे भी गवा ले हम। ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और अब छह की छह बहनें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ऑफकोर्स मैं भी यहाँ पे हूँ, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू कीजिए, अब पहला बंगाली गाना कोई होना चाहिए। हाँ, ये बंगाली गाना, हम सब बहन मिल के गाएंगे। ऑलराइट जी, ठीक है। आमर मन भालो ना गो, प्राण भालो ना गो, बंधु केनो फिरे आइलो ना। आमर मन भालो ना गो, प्राण भालो ना गो, बंधु केनो फिरे आइलो ना। বন্ধু যদি না আসে যাব বন্ধুর তালাশে, বন্ধু যদি না আসে, বন্ধু যদি না আসে যাব বন্ধুর তালাশে। মন হয়েছে উড়া পাখি, মাথলে আর মানে না, মানে না বন্ধু কেন। আগে জানতাম যদি আসবে না, ছাইরে তারে দিতাম না, অঞ্চলে বাঁধিয়ে রাখতাম সে গেল সোনা। আগে জানতাম যদি আসবে না, ছাইরে তারে দিতাম না, অঞ্চলে বাঁধিয়ে রাখতাম সে গেল সোনা। বন্ধু ভাবি নেই আমার প্রাণী, বন্ধু ভাবি নে, বন্ধু ভাবি নে আমার প্রাণে। মন হইয়াছে উড়া পাখি, বাঁধাইলে আর মানে না, মানে না বন্ধু কেন ফিরে আইলো না। আমার মন ভালো না গো, প্রাণ ভালো না গো, বন্ধু কেন ফিরে আইলো না। अब इसका मतलब क्या है ये तो बताइए। इसका मतलब बहुत टाइम लगेगा। क्या मतलब टाइम लगेगा? मतलब मेरा दिल भी नहीं अच्छा है, मेरा दिमाग भी नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो अभी तक क्यों नहीं आया। अच्छा, इसे ऐसे अच्छा मौसम है, आशिकाना है दिल, कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, वो वाला हिसाब। आगे जानता हूँ जो दिया आज मैंने, अगर मुझे पहले पता होता कि वो आएगा नहीं, हाँ, तो उसको मैं कभी भी नहीं छोड़ती। अच्छा, अब एक बात पूछनी मुझे आपसे, जब आपको देखो तो लगता ही नहीं कि आपको कभी कोई दुख मिला होगा, आप हमेशा हंसती रहती हैं। जब आप उदास होती, कोई ऐसा लम्हा आया कि जब आप बाकी बहुत सैड थी, रिग्रेट कर रही थी चीज़ों को, कोई कभी डिप्रेस हुई आप लाइफ में? होती हूँ, लेकिन सबके सामने नहीं। सबके सामने नहीं, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, तो फिर मैं जाने बाद बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर देती हूँ। मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं बीमार हो जाऊँ बहुत सख्त, तो फिर उसको नमाज पढ़ते और दुआ पढ़ते पढ़ते फिर मैं ठीक हो जाती, फिर वापस आ जाती हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि आप भी डिप्रेस होती हैं और आपको लगता है ऐसा? अच्छा, माशाल्लाह घर में औलाद कैसी है?
बहुत ही अच्छी है। मैं समझती हूँ कि मतलब दुनिया के अच्छे औलादों में से अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए हैं, क्योंकि मेरे जो बच्चे सब जो हैं वो मेरी बेनतहा फरमा बरदार और बेनतहा चाहने वाले। अगर मेरे थोड़ा सा हाथ में भी चोट लग जाता है, नाखून कभी उंगली उंगली कट जाती खाना बनाते हुए, तो मेरी बेटियाँ शिकायत करती कि आपने फ़ोन क्यों नहीं किया था, हम आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं, और मैं बहुत तकलीफ़ में भी रहूँ तो उनको नहीं बताती हूँ कि वो गाड़ी चलाती हुई आएंगी, तेज़ी में गाड़ी कहीं मार ना दें, मैं इस खौफ में उनको बता दी। ज़ाहिर है माँ तो फिर यही है। अच्छा, आप ही की एक गज़ल है, कब मेरा नशेमन पहले चमन गुलशन में गवारा करते, उसमें बस मुझे वो शेर सुना, जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठ कर आने से, दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा करते। मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा कहते हैं, कब मेरा नशेमन अहले चमन गुलशन में गवारा कहते हैं, गुंजे अपनी आवाजों में फूलों को पुकारा कहते हैं, कब मेरा नशे मन अहले चमन। जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठ कर आ ना सके, जाती हुई मैयत देख के भी अल्लाह तुम उठ कर आ ना सके, दो चार कदम तो दुश्मन भी, दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा कहते हैं, दो चार कदम तो दुश्मन भी तकलीफ गवारा कहते हैं, कब मेरा नशे मन अहले चमन। अच्छा रानी जो है वो भी गाती हैं और अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। सबसे अच्छा कौन गाता था इनमें? सभी अच्छा गाते हैं। अच्छा, सभी को शौक था? सबको शौक है, लेकिन ज़्यादा आपने किया? ज़्यादा असल में मुझे सिखाया गया, इनको सिखाया नहीं। आपको याद है एक बार मुस्कुरा दो, कौन सी याद है आपकी, कौन सी चीज़ याद है, या कोई इंडियन पाकिस्तानी कोई भी गाना? नहीं, आप सब डर गई। नहीं तो क्यों ऐसा क्या? अरे इनके सामने आप तो सोचा, आप तो फिर अच्छा गाते हो, मैं गा लेता हूँ। सोचे कितना अजीब लगेगा आपकी, इसको थोड़ा सा हो जाए। कौन सा? नहीं आप यकीन जानिए आवाज़ आपकी सही है, थोड़ा सा कुछ जरा सा माइक दे। लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, लज्जते गम बढ़ा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए, आप यूं मुस्कुरा दीजिए। चांद कब तक गहन में लगे, चांद कब तक गहन में रहे, चांद कब तक गहन में रहे, आप जुल्फें हटा दीजिए, आप जुल्फें हटा दीजिए, लज्जतें हम बढ़ा दीजिए।
बहुत अच्छा, हमारा पार्टी है, हैं मियां को देखे जी प्रेमी उधर से जा। अच्छा इनके हस्बैंड कहाँ हैं? उधर बैठे। अच्छा उधर बैठे हैं, तो कोई बात नहीं, वो नहीं उसको उसका भी शौक है, वो चाहता है कि गाए। वो वाकई वो खुद भी गाते हैं? नहीं। अच्छा वो ये चाहते हैं कि ये गाए। इसके हस्बैंड को इसकी आवाज़ बहुत पसंद है। नहीं आवाज़ वाकई अच्छी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तुम क्या सुनाओगी? चलो मियाँ का बुराई सुना दो। बोला हमारा मियाँ इतना मोटा है, इतना काला, अच्छा नहीं लगता हमको, तो वही सुना दो। अच्छा कब कब मुलाकात होती है बहनों से? हम बस सब बहनें हम एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पते ही रहते हैं। अब हम लोग का जो है ना बस एक आंकड़ा है कि 6 बहन हम लोग को मिलना बहुत एक साथ रहे हैं। झगड़ा हमारे यहाँ कभी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन ऐसा झगड़ा ज़्यादा ज़्यादा कौन झगड़ता है आप लोगों में? नहीं आप ज़्यादा, लेकिन मैं पता क्या मैं उनको समझाती हूँ, झगड़ती नहीं हूँ। अच्छा लेकिन इनको समझाती हूँ, अच्छी बातें समझाती हूँ जो इनको आने वाले दिन में तकलीफ ना दे। अच्छा और वो बहन मुझे पढ़ पढ़ के फूकती है कि मुझे गुस्सा ना आए और मैं बिल्कुल ठीक रहूँ, क्योंकि इन सब की जो है ना लाडली जो हूँ मैं तो। अच्छा आप जब बाहर रहती हैं तो जाहिर है आपको मिस तो बहुत करते होंगे। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? ये लोग भी करते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा, मैं 2 महीने के बाद डिप्रेशन में हल्का हल्का आती हूँ, तो मेरा बेटा टिकट लेके देता है, जाइए आप बहनों के पास, फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ, उनको आती हूँ, फिर देखती हूँ ठीक हो जाती हूँ। फिर ठीक हो जाती है। आपकी वापसी कब है? मेरे अभी तो बच्चे अच्छे आने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा तो ईद यहीं करेंगे इस बार? हाँ मैंने कहा ना आपसे कि इस ईद पे एक एक अफ्तार डेफिनेटली यहाँ पर होनी चाहिए, लाइव जाएंगे हम समझ, एक अफ्तार डेफिनेटली होनी चाहिए, आपकी पूरी फैमिली के साथ हम लोग भी आएंगे। अच्छा अब हम किचन के अंदर जा रहे हैं, मछली हमारा इंतजार कर रही है। एक जाते जाते एक बात को और बता दूँ, मायूस मत होइएगा, एक बार मुस्कुरा दो जरूर होगी, इसी जगह होगी, वो तो जाहिर है उसके साथ होगी और सबके साथ होगी, सबके साथ होगी, याद है ना आप लोग। और अगर किसी को नहीं याद कोई फिक्र की बात नहीं है, आपा को याद होना हो मुझे बिल्कुल याद है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। छोटा सा एक ब्रेक जी, हम चलते हैं किचन में, आपसे मुलाकात हो रही है वहाँ। एक बार मुस्कुरा दो। Once again, जी वेलकम बैक। और आपने एक्चुअली इंतजार बिल्कुल नहीं किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये फिश जो है ये डाल दी गई है, एंड सीरियसली इट्स अमेजिंग। थोड़ा सा मुझे अपनी रेसिपी बताएं, कोई सीक्रेट रेसिपी है क्या फिश की? इस पर रेसिपी जो है ना ये असल में बेसन और इसमें मेथी और लहसुन जीरा हल्दी मिर्च। अच्छा ये इसकी रेसिपी। और ये मछली कौन सी है? ये मछली हीरा, हीरा मछली है, हीरा मछली। अच्छा आप मछली अक्सर खाती हैं? मैं मछली ही खाती हूँ। क्या मतलब है? मैं गोश्त पर ज़्यादा नहीं पसंद करती हूँ, मछली ही खाती हूँ, रोज़ाना मछली खाती हूँ। वाकई में? हाँ। अच्छा ये जो हम कहते हैं सुनते हैं कढ़ी चावल मछली चावल, ये होता है? बिल्कुल होता है। कढ़ी भी होती है? कढ़ी तो उसके उसके बनते हैं ना, कढ़ी हम लोग इतना नहीं खाते, इतना नहीं खाते। अच्छा नहीं करी कहते हैं, करी मतलब करी। ग्रेवी। अच्छा ग्रेवी और नॉट कड़ी चावल? नहीं नहीं ओके करी। हाँ करी चावल मतलब एनी कुछ भी। हाँ शोरबा, शोरबा शोरबा जो होता है वो, इट कुड बी एनीथिंग, लेकिन मछली जरूर होती है, मछली जरूर। अच्छा बांग्लादेश में ज्यादातर कौन सी खाई जाती है फिश? सूखी। व्हाट इज सूखी? ड्राई फिश। ड्राई फिश सूखा मछली? हाँ वो खराब बर्दाश्त भी नहीं करता, सब चले जाते भाग जाते। नहीं वो तो नहीं है जो धूप में सुखाई जाती है? हाँ ओह वाह वो जो छोटी वाली होती है। हाँ उसको हम लोग बंगाल में बोलते लोटिया। लोटिया? हाँ लोटिया फिश, लोटिया फिश। वाह वो हम लोग उसको इंडिया में कहते हैं बॉम्बे डक। अच्छा तो उसको हम लोग फ्राई भी करते हैं, भुरता भी बना लेते हैं, उसका सालन भी बनाते हैं। और वैसे मतलब वैसे भी खाई जाती है यूं ही? अच्छा तो नाश्ते वगैरह में तो नहीं फिश का कॉन्सेप्ट? नहीं नाश्ते में तो खैर मैं तो मतलब जो है ना ज़रा अपना खाने का ख्याल बहुत रखती हूँ। हाँ। मैं 2 डबल रोटी का पीस ले लेती हूँ, चाय ले लेती हूँ, मेरा सुबह का नाश्ता हो जाता है। अच्छा दोपहर में मेरे लिए मछली और सब्जी बहुत ज़रूरी है। अच्छा मछली एंड सब्जी? मछली सब्जी और दाल। तो चावल वगैरह खाती हैं आप? चावल मैं खाती हूँ, ब्राउन राइस जो आता है उसको उबाल के खाती हूँ। अच्छा हमेशा से ऐसी थी या आप हो गई हैं? नहीं मैं शुरू से ऐसी हूँ, मैं बिरयानी कौरमा ये सब बिल्कुल नहीं पसंद करती, मीठा ज़्यादा नहीं। लेकिन बनाती हैं? बनाती तो बहुत मज़ेदार है। अच्छा मैं दिल्ली गई थी आज से 10 साल पहले, तो वहाँ पे मैंने दिल्ली दरबार में मैंने खाना खाया, बिरयानी बहुत मज़ेदार लगा, तो उसके शेफ को बुलाया, उसको मैंने एक छोटा सा अपना मतलब पर्ची दी, उस पर मेरा नंबर था, उसको मैंने लिखा था कि मुझे कॉल जरूर करना। अच्छा उसने मुझे फ़ोन किया, फिर मैंने उसको किसी के घर पे बुलाया, उसको मैंने पैसे दिया और उसको बिरयानी बनाने के सीखा, और अब इन लोगों को खिलाती हूँ, मेरे नवासों को खिलाती हूँ, सबको बेइंतहा पसंद है। अच्छा इंडिया पे याद आया अरसलान, ज़रा यहाँ से मुझे पिक्चर उतार के, एक लता मंगेशकर जी की तस्वीर है और एक सोनिया गांधी की तस्वीर होगी साथ ही, तो ज़रा ये उतार के इधर ले आइएगा। एक वो जो है ना ऊपर जो है वो सोनिया गांधी हैं और उनके साथ हरियाणा के वजीर आला थे भूपिंदर सिंह हुडा। अच्छा वो भी है। पहले सबसे पहले तो इस मुलाकात का हाल मैं जानना चाहता हूँ जो यहाँ हुई। दिस इज लता जी जी अलॉन्ग विद मुन्नी बेगम साहिबा, ये कब की बात है? ये बहुत पुरानी
ये तकरीबन मेरे ख्याल में 86 की है। 86 की बात है, तो क्या मिलके खुश हुई आपसे? बहुत खुश, बहुत प्यारी खातून है ये तो, इनका क्या कहना है, मतलब इतना नाजुक मिजाज ये अल्लाह ताला मंगेशकर जी हैं कि क्या बताऊँ आपको। आपसे कुछ सुना इन्होंने? हाँ, मेरे प्रोग्राम में बैठी हुई थी, मेरा प्रोग्राम था उसी में आई। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ओ वाओ, ओ वाओ, ओ वाओ। तो कभी नर्वस हुई इनके सामने गाते हुए आप? नहीं, नर्वस नहीं हुई कभी भी। आप नहीं? मैंने कहा कि खराब गाऊंगे तो बुरा ही बोलेंगे और क्या। अच्छा, पाकिस्तान में जैसे मेरी सन खान साहब थे या और दूसरे बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, वो जब आपसे मिलते थे तो क्या क्या करते थे? खुश होते थे? बहुत खुश होते थे, अच्छा लगता था उन लोगों को भी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। गुलाम अली साहब के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किया, मेहंदी हसन साहब के साथ किया। एक प्रोग्राम मेरा हुआ था जो मेरा यादगार प्रोग्राम है, मोहम्मद अली साहब की बेटी की शादी थी। अच्छा। उस पर उन्होंने मुझे बुलाया था और पूरा फिल्म इंडस्ट्री आया हुआ था मुझे सुनने को। अच्छा। ये 79 का वाकया है जहाँ पे मैडम नूरजहाँ भी थी, इनकी बच्चियाँ भी थी, इनके पूरे फैमिली थे, बता 1000 VIP में। ओह माय गॉड, सब आए थे सिर्फ हमको सुनने के लिए। अरे वाह वाह, तो वो मेरा बहुत यादगार। तो आपने कितने कितने कितनी देर तक गाया? मैं तकरीबन 3 घंटे तक गाई। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अच्छा, जाहिर है बहुत सारे लोगों के सामने परफॉर्म किया होगा, लेकिन कहाँ परफॉर्म करके सबसे ज़्यादा खुशी हुई? कोई एक ऐसी जगह होगी? नहीं, मतलब अजीब व गरीब हुआ था, लेकिन खुशी तो सब जगह होती है। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, एक साहब जो दुनिया से जाने वाले थे। हाँ। अरे वो मत पूछे, 3 साल पहले ये प्रोग्राम न्यूयॉर्क में, ये शिकागो में। बताया ना, बताया ना, ये बड़ी कमाल की बात है, सुनिएगा, बहुत कमाल की प्रोग्राम के लिए बुलाया गया। हाँ। वहाँ पे एक बहुत अच्छा बुटीक चलाती है एक लेडी, बहुत प्यारी सी लड़की है वो। तो उसने मुझे कहा कि एक प्रोग्राम आपको करना है। मैंने कहा हाँ कर लेंगे। तो कहने गए कि उस प्रोग्राम का, मैंने कहा बताइए किस चीज़ का प्रोग्राम है। कहने आपको क्या बताऊँ कि उनके ससुर का 3 महीने के बाद इंतकाल हो जाएगा, डॉक्टर ने जो बोला था। तो उसको, उनको वो फेयरवेल पार्टी दे रही थी, मतलब आखिरी प्रोग्राम था और तो, उनकी ज़िंदगी में था और उनकी ज़िंदगी में था और उनके जो जो चीज़ें उनकी पसंदीदा सब था, सबों को बुलाया गया, पसंदीदा खाना, पसंदीदा होटल, पसंदीदा जो भी चीज़ था। और मैं भी उनको बहुत, मतलब मेरा गाना बहुत पसंद था, तो इसलिए मुझे बुलाया गया। मैं गई, लेकिन पता नहीं मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ऐसा प्रोग्राम भी होता है क्या, कि मतलब आखिरी उसको रुख्सती में ऐसा प्रोग्राम। तो वो प्रोग्राम ना मैंने किया, गाने भी गाया, थोड़ा मुझे रोना भी बहुत आया, वो सुन भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे। फिर मैंने अल्लाह से के बहुत दुआ किया कि अल्लाह अगर कोई मौजज़ा के लिए है तो दे दीजिए। लेकिन बहरहाल उनकी जितनी ज़िंदगी थी अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए। वहाँ का डॉक्टरों का जो डायग्नोज जो होता है वो भी बहुत टॉप क्लास का होता है, जो बताते बिल्कुल वही होता है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊँ, ये जो आपने, आपका शायद ये पहला इतफाक है, ऐसे मैंने बेतहाशा, बल्कि मेरे अपने चंद दोस्त जो हैं उनके जो फादर्स थे या उनके ग्रैंड फादर थे, उनकी लिविंग फ्यूनरल्स हुई हैं। दैट मीन्स वो खुद भी अपनी फ्यूनरल में मौजूद होते हैं, वो बाकायदा लोग आते हैं, सारे अफसोस करते हैं, बताते हैं। मैं तो सुन के भाग जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता है। अच्छा, हमने ये तो 3 तो किए, अब और डाल रहे हैं। हाँ, मैं डाल रहा हूँ। हाँ, ओके ओके, हाथ बचा के। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ये आपने खुद बनाया सब? ओके, मैं इसके सालन वाला सब बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो अभी तो क्योंकि आज जैसा है। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ, मैं सही खोल रहा हूँ। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। आपको, आप जाहिर है घर की टेक केयर भी कर रही थी, अपने पेरेंट्स की वो भी कर रही थी, बहनों को भी सपोर्ट कर रही थी, भाई को भी पाल रही थी। ना टेल मी, आपको टाइम मिल जाता था घर के काम करने का? कैसे? हाँ, हाँ। आप मैनेज कैसे किया? ये लोग पता क्या, ये लोग जो है ना बहुत 420 है, जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो तारीफ करते, मुझे पुल पर चढ़ा देती है कि क्या अच्छा पकाया भाजी, इतना मज़ेदार। बुरा भी होता तो लोग मज़ेदार कहते हैं। मज़ेदार होता है। आपको इनकी, इनके हाथ की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? आपको सब चीज़ इनके हाथ का पसंद है? मछली, कौन सी बिरयानी? लहसुन बिरयानी। ओके ओके, शब्द बनाती है। अच्छा, शब्द भी बनाती हैं? बहुत धुआंदार चिकन भी बनाती है। जो भी सीखती है आती है पकाती है, हम लोगों को फिर इन लोगों को सिखा भी देती हूँ कि मैं भूल जाऊँ तो तुम लोग याद रखना। अच्छा, आपको क्या पसंद है इनके हाथ का? ये कुछ पसंद है हमको, इनकी तारीफ क्या करें, इनकी हर चीज़ अच्छी लगती है, जो भी पकाती है हम लोग खा लेते हैं। बहुत अच्छा, आप थोड़ा कम कम बोलते हैं मोहन। मोहन कुछ कम बोलते हैं। मछली बहुत अच्छा बनाते हैं। और आप क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? सब कुछ सब कुछ सब सब अच्छा बनाती हैं माशाल्लाह। ये मछली बहुत अच्छा, गुस्सा आता है, ये बताएं, गुस्सा आता है?
अभी तो उसका कम हो गया, पहले आता था बहुत। पहले आता था तो पहले आते थे तो क्या फूकती उकती थी क्या करती थी? हाँ दम तो करते थे दादा, उसका दिमाग गर्म हो जाता था तो फिर दम करते थे। किस बात पे आता है अभी बताओ? अब कौन खाना, खाना देर से मिले? हाँ खाना देर से मिले। सही में खाना देर से मिले गुस्सा आता था? खाने में जो है ना देरी पसंद नहीं मुझे, कि बस मुझे ऑन टाइम मुझे खाना दे दो। अच्छा ये जो तस्वीर है ये सोनिया गांधी जी की है? ये 2007 की है। अच्छा 2007 की। ये चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम उनका हुआ था, 8 स्टेट के वहाँ पे वजीर आला आए हुए थे, सोनिया गांधी साहिबा थी, मतलब सारे VIPs थे। हाँ। और वहाँ के जो वजीर आला थे भूपिंदर सिंह हुडा, उनके महल में ये प्रोग्राम हुआ था। अरे वाह। तो उन्होंने कहा था कि मुन्नी बेगम को बुलाओ, तो उन्होंने मुझे ये समझ ली थी, इन्होंने मुझे वो आवारगी में हंस से गुजर जाना चाहिए दो दफा सुना और एक बार मुस्कुरा दो दफा सुना। क्या बात है, बहुत अच्छा उर्दू बोलती है ये वाकई में, बहुत अच्छा बोलती है और बहुत इतनी सुलझी हुई औरत है, बहुत अच्छी नाइस है, कोई गुरु नहीं लगता नहीं है कि ये सोनिया गांधी है। Really? हाँ तबीयत की बहुत अच्छी है, जाहिर है कांग्रेस की चीफ है लेकिन बहुत मिलनसार। वाओ। अच्छा जी कहाँ गया, मैंने कहाँ रख दिया, ये रहा ये रहा, तकरीबन हो ही गया ये। हाँ लेकिन अभी इसको थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा हाँ, इसको थोड़ा तेज कर सकते हैं आज को। हाँ हाँ। अच्छा जी अब यहाँ से हम निकल के जैसे कि कहा गया है कि एक बार मुस्कुरा दो उसके लिए चलेंगे और ये सब के सब जो है एक साथ मिलके गाएंगे, एक बार मुस्कुरा दो डेफिनेटली इस पे ही एंड होना चाहिए। लेकिन आपको कुछ ऐसी कोई बात जो आप हमसे शेयर करना चाहती हो जिससे लोगों को इंस्पायर हो सके, बिकॉज आपकी ज़िंदगी ऐसी है खुली किताब की तरह से, आपने कभी कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की, सब कुछ कहा जैसा है, कोई एक ऐसा लम्हा शेयर करना चाहेंगे जहाँ आपका यकीन हद से ज़्यादा बढ़ गया हो इस बात पर कि आप सर्वाइव कर जाएंगे, जो भी मुश्किल हालात होंगे निकल जाएंगे आप उनसे? ऐसा तो खैर मेरी ज़िंदगी में मतलब जो है ना मैंने कभी नाउमीद नहीं हुई, कभी नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और कभी अल्लाह के सिवा मैंने किसी से मदद लेने की कोशिश भी नहीं की। जो कुछ भी मेरे पास है ये मेरा अपना बहुत मेहनत का और मैं समझती हूँ कि बहुत हक हलाल का है। अच्छा अगर मेहदी हसन खान साहब की कोई एक गज़ल जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो तो कौन सी होगी? उनकी सब पसंद है मुझे, खास करके मैं वो बहुत सुनती थी, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। तो अभी सुने क्या एक हुस्न की देवी मुझे से नहीं मुझे आता प्यार लेकिन हुआ। मैं बहुत सुनती मैं हूँ ना फिकर की क्या बात, क्या बात है ऐसी क्या बात सुनेगा मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा ठीक है थोड़ा सा और जी मेहंदी साहब हमारे एक चीज़ एक आपसे बात मैं करना चाहती हूँ कि ये टीवी में एक एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं कि ये मेरा पाकिस्तान है, उसमें सब कुछ दिखाते हैं लेकिन मेरे पाकिस्तान में आज तक नूरजहाँ को नहीं दिखाते हैं और मेहंदी हसन को नहीं दिखाते हैं, इस चीज़ का शिकवा मुझे गिला है। एक काम करते हैं हम मैडम नूरजहाँ का भी गीत गाते हैं और मेहंदी हसन साहब का भी गीत गाते हैं और यही करते हैं और उसके बाद एक बार मुस्कुरा दो पर ख़त्म करते हैं, छोटा हाँ। सा एक ब्रेक है आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी और ये ट्रिब्यूट है मेहंदी हसन खान साहब को, गाना है जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा और मैं इसको तहतो लफ्ज़ पढ़ूंगा और आप इसको गा रही दुनिया पर शुरू। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जब
कमाल, बहुत अच्छा। मेहंदी साहब इतने बड़े और इतने बड़े फनकार थे कि उन जैसा खैर तो अब तो कोई दूसरा नहीं हो सकता, कोशिशें बहुत हुई। अच्छा, ये वाकई बात है कि उन जैसा कोई हो ही नहीं सकता, ना मैडम नूरजहां जैसा हो सकता है, ना मैडम नूरजहां जैसा, ना मेहंदी हसन साहब जैसा। अच्छा, मैडम का कोई गाना याद है? नहीं, मैं असल में वो लोग इतना अच्छा गाते थे, उनकी जैसे मैं गा नहीं सकती। नहीं नहीं, आप बिल्कुल गा सकती हैं, अभी देखिए आप पंजाबी गाए कहते हैं ना। अच्छा, नहीं और ये नहीं नहीं, आप कीजिएगा कीजिएगा कीजिएगा, याद है? तेरे कोल रहना, तेरे कोल रहना, माही बे चन बे तेनु होर की कहना, केंदे ना तेरे कोल रहना। अज इकरार करनी आ, अज इकरार करनी आ, मैं तेनु प्यार करनी आ, अज इकरार करनी आ, मैं तेनु याद नहीं आती है। सदियों के लोग थे ये, थोड़ी सी मैं कुछ बताया था आपको, टीवी में मैं एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ, बड़े बड़े लोगों को दिखाते हैं, नए नौजवान नस्ल के बच्चों को दिखाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा जब पाकिस्तान की खूबियां दिखाते हैं तो इसमें मैडम नूरजहां और मेहदी हसन साहब और राहत नुसरत फ़तेह अली खां को, इन तीनों को दिखाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात है मुन्नी आपा को जरूर दिखाइएगा, बिकॉज नहीं honestly, मुझे तो छोड़िए ना, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, ऐसा ठीक नहीं है, उनके जैसा कोई बन नहीं सकता, मेरे जैसा तो हज़ारों मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैडम क्या वजह है कि आज तक कोई नहीं मिल सका? आप भी को पिछले मतलब 30 साल से तो कमोबेश आपको हो गया, 40 साल हो गए और आज तक तो कोई नहीं मिला मुन्नी बेगम जैसा। आज तक जो मुन्नी बेगम मतलब सीरियसली आपको शायद अपना एहसास नहीं है, लेकिन मतलब आप एक ही हैं। एक ही हूं, हाँ डेफिनेटली एक ही, और उसके बाद ना दूर ना इससे पहले कोई नजर आया ना, और उसके बाद तो खैर अब तो ये सीन ही खत्म हो गया। असल पता कि आजकल के लोग ना मेहनत नहीं करते हैं, म्यूज़िक में बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत कीजिए, आप रियाज कीजिए, इससे उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। लोग कहते हैं कि अभी तो उम्र हो गया क्या रियाज करें, नहीं, मैं रोज़ाना देखिए 45 मिनट रियाज करती हूँ और अपने गले को मतलब जिंदा रखने की कोशिश करती हूँ, तो अच्छा, उससे ये रियाज करती हो भी नहीं सकती। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। और सिर्फ जैसे ये सा है नीचे सुर में, आप अभी रोज़ाना आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं सुबह उठ के करती हूँ, क्या बात? और ये रोज़ाना मैं 45 मिनट 40 मिनट कभी 30 मिनट कर लेती हूँ, तो उससे क्या है कि आवाज़ की ताजगी, आवाज़ की जो मुरखियाँ ये सब। अच्छा पता नहीं आप ये गा रही हैं, मुझे पता नहीं क्यों याद है कि मोहब्बत की झूठी कहानी को रोए बड़ी चोट खाई जब ये तो राग असल में भैरवी राग है ना, तो भैरवी राग सुबह के टाइम में भैरवी राग पे ही हम लोग ज़्यादातर मैं रियाज करती हूँ। मेरे उस्ताद जी बताते थे कि इस पर रियाज करने से आवाज़ आपका खुला रहेगा, आपका आवाज़ में ताकत रहेगा, और आवाज़ कभी जैसे कांपता है बहुत लोगों का आवाज़ जो पुराने आर्टिस्ट है ना, तो उस पर कांपते नहीं। ओके ओके, अगर ये रियाज करते हैं तो रियाज करते हैं। अच्छा अच्छा, अब एक रिक्वेस्ट है पांडे को, सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच टाइम, हम आपके घर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए, मेरे घर को चार चांद लगा दिया आपने। नहीं नहीं नहीं, आप आज मुझे अपना घर बहुत अच्छा लग रहा है साहिर के आने से। नहीं मैं माशाल्लाह से बहुत बड़ी बात, अल्लाह आपको जिंदगी दे, हयात दे, आपको जिंदगी की सारी खुशियाँ दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप अपने बच्चों की बच्चों की बच्चों की खुशियाँ दे, आमीन आमीन, सेहत के साथ तंदुरुस्ती के साथ। छोटी सी 3 महीने की बेटी है, उसको प्लीज हेलो कर दे। चंदा में छूने जा रहा बोझ बोझ पाली माँ, लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं उससे जरूर बताऊंगा कि मुन्नी आप जब वो बड़ी होगी तो बोलेगी ये तुमको, अभी तो छोटी सी मुन्नी छिया छोना से। बस इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर जरूर बताऊंगा कि मुन्नी आपने आपकी गोद में दूंगा उसको मैं। हाँ मुझे सीरियसली, मैं आई थिंक शी हैज बिकम माय लाइफ, शी हैज कंप्लीटेड मी। जिंदगी में मेरे जो एक मिसिंग एलिमेंट था, तो वो एलिमेंट जो है वो मेरी बेटी ने आके कंप्लीट कर दिया। मुझे 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 नहीं लगता कि मैं जिंदगी में अब आपको पता है आप दीन और दुनिया में सॉरी
بہت بڑے ایک عہدے پہ فائز ہوئے کہ آپ ایک بیٹی کے باپ بنی ہیں. الحمدللہ. یہ آپ مذہبی طور پہ بھی دیکھے گا تو وہاں پہ بھی یہ ہے, اور دنیاوی طور پہ دیکھے تو یہاں پہ بھی یہ ہے. الحمدللہ. کہ جس گھر پہ بیٹی پیدا ہوتی ہے سمجھ لیجیے کہ اس کی ساری پریشانی ساری تکلیفیں سب ختم ہو گئی, اللہ کی رحمتیں ہی رحمت ہے اس کے گھر. حیرت انگیز تبدیلی, مجھے دنیا کی پریشانی آ جائے بس میری بیٹی ٹھیک رہے. ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے آپ کو, وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے بحیثیت باپ کے, کہ آپ کو چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو, آپ سب کچھ جھیل سکتے ہیں. بچے کا تکلیف اس کی نہیں سوال ہی نہیں. میں آپ کو پیچھے پروگرام میں بتائی تھی کہ میری بیٹی منیبہ جب پیدا ہوئی تو اس کو ہم لوگ چھٹی چلا کرتے ہیں, تو اس پہ جب اما میری اس کو نہلا رہی تھی تو اس کا سانس رک گیا تھا. جب اس کا سانس رک گیا اس کو ہم لے کے گئے ضیاء الدین ہاسپٹل میں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ بلو بیبی ہے, اس کے دل میں سوراخ ہے. تو آپ یقین کیجیے میری یہ بہن اس کے پاس رہتی تھی وہ, اور یہ پالتی تھی اس کو. تو یہ اس کو کس طریقے سے دودھ پلاتی تھی, وہ تھوڑا سا دودھ پی کے تھک جاتی تھی اور دبلی پتلی بالکل, اور بلو اس کے ہوٹ بلو. اور پھر ایک ڈاکٹر آئے ہیوسٹن سے, ان کو دکھایا, انہوں نے کہا کہ 4 سال کے بعد یہاں سے آپریشن کر کے ہاتھ نکال کے اس کے بعد ہاتھ کو ہٹا کے پھر وہاں سے اس کو سوراخ کو ٹھیک کریں گے اس کے دل کے جو ہوتا. تو میں پھر عمرہ کرنے چلے گئے 84 میں. عمرہ کرنے جب میں نے خانہ کعبہ کو جب میں نے دیکھا تو میرا پہلا دعا یہی تھا کہ مولا میری بیٹی کا جو ہے نا آپریشن کے بغیر ہی وہ ٹھیک ہو جائے. جب آنے کے بعد اس کو چیک کیا تو وہ بالکل ٹھیک تھی. سبحان اللہ. تو یہ معجزہ میرے ساتھ ہوا ہے اور بہت ہوتا رہتا ہے. آپ یقین کیجیے بعض وقت میں خود بھی حیران ہو جاتی ہوں. نہیں نہیں, آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں, وہ اندر کی جو سول ہوتی ہے نا اس کا کنیکشن ہوتا ہے, تو آپ کو حیران ہونے کی ضرورت. پتہ کیا شاید سب سے اچھی بات ہے کہ آپ کبھی کسی کا دل نہیں دکھائیے. غرور اس سے غرور سے پرہیز کیجیے گا, حسد سے پرہیز کیجیے گا, کیونکہ یہ سب چیزیں آپ کو تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہیں تو آپ غرور کیجیے اور آپ بہت حسد کیجیے. میں آپ کو جم کیری کو تو آپ جانتے ہیں, ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے, اس نے بڑی ایک کمال بات کی. وہ کہتا ہے کہ آپ کو سب کو پتا ہے ایس ونچورا جم کیری بہت بڑا ایکٹر ہے, بہت اچھا. اس نے بڑی کمال ایک بات کی, کہتا ہے وہ تمام لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شہرت اور پیسے سے زندگی میں سب کچھ خریدا جا سکتا ہے اور سکون مل جاتا ہے, میری دعا ہے کہ شہرت اور پیسہ پوری دنیا میں ہر شخص کو ملے, تب آپ کو احساس ہوگا کہ شہرت اور پیسہ دراصل کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ہم پتہ کیا امریکہ میں جب رہتے ہیں نا, میں یوٹیوب میں لگا کے دیکھتی ہوں کہ پاکستان کا 10 بڑے لوگوں میں کون ہے, میں دیکھتی ہوں ان کو. پھر پورے ورلڈ میں دیکھتی ہوں کہ 10 ریچسٹ مین ان دا ورلڈ, اس کو دیکھتی ہوں. تو میری بیٹی کہتی ہے اماں یہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے, لوگ دعا کیا مانگتا ہوگا. میں نے کہا بیٹا چپ کر, بیٹا صرف ایک ہی دعا مانگتا ہوگا کہ ان کو موت نہیں آئے. میری بیٹی خوب ہنستی کہتے واقعی اماں اتنا کچھ, ایسا گھر, اس کو چھوڑ کے کس کو جانے کو جی چاہے گا. میں نے کہا بس ان کا ایک ہی دعا ہوتا ہے کہ بس آئے نہ وہ نہیں آئے. اور اس نے آنا ہے, اور جب اس نے آنا ہے اس کے لیے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھیے. دن میں ایک دفعہ ضرور یاد کیجیے وہاں کو, ایک بار مسکرا دو. یہیں پر ختم ہوگا جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور سب نے ساتھ دینا ہے, سب نے ساتھ دینا. فردوس جھوم اٹھے فضا مسکرا جوانی بادل میں منہ چھپائے مہتا
சபி பதிரும் தமசீலே மாவு அஞ்சும் ஆக்கி ஷராபாகி ஜஸ்பாத்தி மீ தல்லா தும் ஹில்தே ஹுவே லபோ பர் ஹசதா ஹுவா தரானா ஏ தில் நவாஸ் பேக்கர் خاطر میں ہے زمانہ لبہائے ہے مری پر نکھری ہوئی ہے لالی یہ ہلکی ہلکی سرخی تصویر ہے شفق کی آوار شوق زلفی رخسار چومتی ہے رخسار چومتی ہے بے خود ہے گھومتی ہے ہو زیست کا سہارا تم موج میں کنارا لیکن سنو خدا را ایک بار مسکرا دو ایک بار مسکرا دو جھلمی ایک بار مسکرا دو ایک بار مسکرا دو ایک بار